हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम रिवाइज करेंगे इग्नू का एक क्वेश्चन पेपर, एमकॉम सेकंड ईयर का क्वेश्चन पेपर है ये। और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, ये होगा फॉर द सब्जेक्ट कोड MCO 01, ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड बिहेवियर। तो बेसिकली इन पुराने क्वेश्चन पेपर्स को रिवाइज करने का मकसद ये होता है ताकि हमें इंपॉर्टेंट यूनिट्स पता चलें और उन यूनिट्स में से पिछले बार क्या क्वेश्चंस आ चुके हैं और आगे क्या आ सकते हैं, ये हमें आइडिया हो जाता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप क्वेश्चन पेपर देखिए, टाइम लिमिट मिलेगी आपको 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स हैं 100, अटैम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस, टोटल क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं 9, जिसमें से आपको एनी 5 क्वेश्चंस ही अटैम्प्ट करने हैं। साथ ही साथ हम इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और हिंदी में भी रीड करेंगे ताकि हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स हैं इग्नू के, उनके लिए इजी हो जाए। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, इसके 2 पार्ट्स हैं, ए एंड बी। ए पार्ट है डिस्क्राइब ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड डिस्कस इट्स बेसिक एलिमेंट्स, संगठनात्मक संस्कृति का वर्णन कीजिए तथा इसके मूल तत्व की व्याख्या कीजिए। सबसे पहले आपको ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को ही एक्सप्लेन करना है, उसका इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग बताना है, डेफिनेशन बतानी है, उसके बाद आप बताएंगे इसके मूल तत्व यानी बेसिक एलिमेंट्स। ये जो क्वेश्चन है ये आया हुआ है यूनिट नंबर 17 में से, जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड क्लाइमेट। बी पार्ट देखिए, हाउ डज ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर क्रिएट इट्स इम्पैक्ट ऑन वर्क प्लेस, सजेस्ट मेजर्स फॉर डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। किसी कार्यस्थल पर संगठनात्मक संस्कृति का क्या प्रभाव होता है, संगठनात्मक संस्कृति को विकसित करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे, व्याख्या कीजिए। ये भी सेम उसी यूनिट का क्वेश्चन है और इसमें आपको बताना है कि ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर वर्क प्लेस पर क्या क्या इफेक्ट्स डालता है, इम्पैक्ट बताना है आपको, और साथ ही साथ आपको मेजर्स बताने हैं ताकि आप ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को आगे कैसे डेवलप कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए, सेकेंड क्वेश्चन, डिस्कस द फोर्सेज विच इनिशिएट चेंज इन एन ऑर्गेनाइजेशन, एक्सप्लेन डिफरेंट सोर्सेज ऑफ रेजिस्टेंस टू चेंज। किसी संगठन में परिवर्तन लाने वाली विभिन्न परिवर्तन की शक्तियों की व्याख्या कीजिए, संगठनात्मक प्रतिरोध के विभिन्न स्रोतों को समझाइए। फोर्सेस के बारे में, वो फोर्सेस जो कि ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस लेकर आते हैं वो, और साथ ही साथ आपको बताना है रेजिस्टेंस टू चेंज के डिफरेंट सोर्सेज यानी उसके स्रोत बताने हैं आपको। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज अ बेसिक prerequisite for the attainment of organizational goals. ये एक स्टेटमेंट दिया इन्होंने, डिस्कस एंड सजेस्ट मेजर्स टू मेक द कम्युनिकेशन इफेक्टिव। संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रभावी संप्रेषण अत्यंत आवश्यक होता है, व्याख्या कीजिए तथा समझाइए कि इस संप्रेषण को प्रभावी कैसे बनाया जा सकता है। सबसे पहले आपको इस स्टेटमेंट को ही एक्सप्लेन करना है, उन्होंने एक्सप्लेन करने को बोला है, व्याख्या करने को बोला है इसी स्टेटमेंट पर, और इसके बाद आपको बताना है कि कम्युनिकेशन को हम इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं, उसके लिए आपको कुछ मेजर्स सजेस्ट करने हैं। ये जो क्वेश्चन है ये है यूनिट नंबर 13, कम्युनिकेशन पर एक पूरी यूनिट है, वो आप रिवाइज कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, डिस्क्राइब वेरियस स्टेजेस ऑफ द प्रोसेस ऑफ परसेप्शन, एक्सप्लेन द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस परसेप्शन एंड द बैरियर्स टू एक्यूरेट परसेप्शन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। परसेप्शन वाली एक पूरी यूनिट है, यूनिट नंबर 6, वो पढ़िए, ये क्वेश्चन उसी में से लिया गया है। अब इसका हिंदी देखते हैं, प्रत्यक्षण की प्रक्रिया के विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए, प्रत्यक्षण को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए तथा संगठन में ही सही प्रत्यक्षण में आने वाली बाधाओं को बताइए। परसेप्शन के प्रोसेस के सारे स्टेजेस बताएंगे आप सबसे पहले, उसके बाद आप बताएंगे कि परसेप्शन को कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, उसके बाद आप बैरियर्स एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन द डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, डिस्क्राइब वेरियस पर्सनैलिटी ट्रेट्स एंड टाइप्स विद सूटेबल एग्जाम्पल्स। यूनिट नंबर 8 है, पर्सनैलिटी एंड इमोशंस वाली, ये उसका क्वेश्चन है। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण करने वाले कारकों को समझाइए, ठीक है, पर्सनैलिटी ऑफ इंडिविजुअल के डिटर्मिनेंट्स को एक्सप्लेन करना है, उसके बाद उचित उदाहरण सहित
विभिन्न प्रकार के व्यक्तित्व विशेषक और प्रकारों की व्याख्या कीजिए। अलग अलग पर्सनैलिटी ट्रेट्स और टाइप्स बताने हैं और साथ में एग्जाम्पल भी बताने हैं। हर एक टाइप के आगे, हर एक ट्रेट के आगे आपको एग्जाम्पल लिख कर एक्सप्लेन करना है। सिक्स्थ क्वेश्चन, डिस्कस इन डिटेल न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यूनिट नंबर सेकंड है, उसके अंदर आपको तीनों थ्योरीज मिल जाएंगी, क्लासिकल, न्यू क्लासिकल एंड मॉडर्न। तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। हर एक टर्म एंड एग्जामिनेशन में एक ना एक थ्योरी तो ये डालते ही डालते हैं। ह्यूमन रिलेशंस स्कूल ऑफ थॉट इसका नाम है, न्यू क्लासिकल थ्योरी का। संगठन के नव क्लासिकी सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या कीजिए। ओके, अब आप देखिए सेवंथ क्वेश्चन, थ्रो लाइट ऑन द वेरियस टाइप्स ऑफ वर्क ग्रुप्स फॉर्मड इन एन ऑर्गेनाइजेशन विद सुटेबल एग्जांपल्स। यूनिट नंबर 12 है जो ये वर्क ग्रुप्स वाली, उसका ये क्वेश्चन है। और हिंदी में देखिए क्वेश्चन, किसी संगठन में बनने वाले विभिन्न प्रकार के कार्य समूहों पर प्रकाश डालिए, उचित उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। तो इसमें जो वर्क ग्रुप्स हैं, सबसे पहले तो आप बताएंगे वर्क ग्रुप होता क्या है, उसके बाद आप इसके टाइप्स मेंशन करें, जिसमें कि फॉर्मल, इनफॉर्मल, स्मॉल ग्रुप, लार्ज ग्रुप्स, ये सब बताएंगे। और साथ ही साथ आपको एग्जाम्पल भी डालने हैं। इस क्वेश्चन की लेंथ ही तभी बनेगी जब आप एग्जाम्पल के साथ उसको पूरा एक्सप्लेन करोगे। एट्थ क्वेश्चन देखिए, राइट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है एटीट्यूड ऑफ पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन, संगठन में व्यक्तियों की अभिवृत्ति। यूनिट नंबर 7 है जो एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज, उसमें से लिया है ये क्वेश्चन। लोगों के एटीट्यूड के बारे में बताना है एक ऑर्गेनाइजेशन में। बी पार्ट, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट प्रोसेस, ओडी का पूरा एक प्रोसेस बताना है, संगठनात्मक विकास की प्रक्रिया। यूनिट नंबर 19 है जो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट वाली, आपको उसमें ये पूरा प्रोसेस मिल जाएगा। थर्ड देखिए, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्यों द्वारा प्रबंध, ये एक पूरा प्रोसेस है जिसमें हम सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को डिफाइन करते हैं, उसके बाद डिफाइन करते हैं एम्प्लॉई के ऑब्जेक्टिव्स को, सेकेंड पार्ट। अगला इसका स्टेप आता है मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस, सबकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर किया जाता है। नेक्स्ट प्रोवाइडिंग फीडबैक, उनके काम के रिलेटेड उनको फीडबैक दी जाती है। नेक्स्ट स्टेप इज परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड द लास्ट स्टेप इज परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। तो ये आपको इसमें बताना है। डी पार्ट, कॉजेज ऑफ स्ट्रेस, दबाव के कारण, स्ट्रेस मैनेजमेंट वाली एक यूनिट है पूरी 9th, वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, ये आप जरूर पढ़िए। 9th क्वेश्चन देखिए, क्रिटिकली एक्सप्लेन द क्लासिकल थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पहले इन्होंने क्वेश्चन में पूछी थी न्यू क्लासिकल थ्योरी, इसमें आ गई हैं क्लासिकल थ्योरीज, जिसमें कि तीन आती हैं, ब्यूरोक्रेसी, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये भी यूनिट सेकंड में से है। संगठन के क्लासिकी सिद्धांत का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। तो गाइज, ये था हमारा क्वेश्चन पेपर फॉर द टर्म एंड एग्जामिनेशन June 2022। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इन्होंने इस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन सी यूनिट्स उठाई हैं और उनमें से क्या क्या क्वेश्चंस बनाए हैं, और इसी बेसिस पे आप अपनी आने वाले एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर सच वीडियोस। और किसी तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए देन लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।